क्या बांग्लादेश से जुड़े हैं दिल्ली बवाल के तार? सारे के सारे लोग बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। क्या सांप्रदायिक हिंसा के पीछे हैं बांग्लादेशी? ये तो सब बताएंगे कि यहाँ पर इस जगह पे सारे बांग्लादेशी रहते हैं। अगर इंडिया बांग्लादेश का मैच होता ना, अगर इंडिया हार जाती है तो बांग्लादेशी यहाँ पर ढोल बजाते हैं। क्या रोहिंग्या मुसलमानों की साजिश थी सांप्रदायिक हिंसा? बड़ा उनकी करतूत है, उसमें बांग्लादेशी रोहिंग्या भी शामिल है। ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हिंसा के मास्टरमाइंड माने जाने वाले अंसार का बांग्लादेश कनेक्शन सामने आ रहा है और उसकी कुंडली अब दिल्ली पुलिस खंगाल रही है। सच तक पहुंचने के लिए दिल्ली पुलिस ने पश्चिम बंगाल पुलिस से संपर्क किया है। अंसार का पुश्तैनी घर पूर्वी मिदनापुर के हल्दिया इलाके के कुमारपुर गाँव में है। सूत्रों के मुताबिक कोरोना काल में अंसार हल्दिया में ही था। जो भी एलिमेंट आइदर डिजिटल फॉर्म में या प्रिंट फॉर्म में या इंफॉर्मेशन के फॉर्म में हमारे पास आ रहा है, उसका आकलन बहुत सीरियसली हम लोग कर रहे हैं और उसको इन्वेस्टिगेशन में एग्जामिन कर सारी चीजें इन डिटेल एग्जामिन हो जाएंगी। पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी है कि कहीं सांप्रदायिक हिंसा की फंडिंग तो नहीं हुई, क्योंकि अंसारी की आय और उसकी अय्याशी की तस्वीरें आपस में मेल नहीं खा रही। कहीं वो शराब की महंगी बोतलों के साथ दिख रहा है तो कहीं हाथ में बंदूक लिए पोज दे रहा है, कहीं नोट लहराते दिख रहा है, कहीं सोने की मोटी मोटी चेन और अंगूठी पहने दिख रहा है। साधारण मोबाइल की दुकान चलाने वाले के पास आखिर इतना पैसा आया कहां से? इसी सवाल के तह तक पहुंचने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम अंसार और उसके साथियों की बैंक डिटेल जुटा रही है ताकि संभावित फंडिंग की जाँच हो सके। कॉल रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं ताकि पता चल सके कि अंसार कहीं बांग्लादेश में तो किसी के संपर्क में नहीं था। 2017 के अंदर हाईकोर्ट के अंदर एक PIL डाली जाती है और उस PIL पर आज 2022 यानी 5 साल के बाद भी दिल्ली सरकार का कोई जवाब नहीं आता है। ये रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को जो संरक्षण दे रहे हैं उनको दमाद की तरह यहाँ पर खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। दिल्ली ही नहीं, देश के 7 राज्यों में पिछले 10 दिन में दंगे कराए गए। कर्नाटका में कराए गए, गुजरात में कराए गए, मध्य प्रदेश में कराए गए, महाराष्ट्र के अंदर कराए गए, दिल्ली के अंदर कराए गए। क्या सब जगह आम आदमी पार्टी थी? कई चश्मदीद भी यही मानते हैं कि जिस इलाके में हिंसा हुई वो अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों का अड्डा है। भैया बांग्लादेशी का सारा एरिया है यहाँ पर। आप किसी बच्चे से भी पूछेंगे कि बांग्लादेशी कहाँ रहते हैं तो सब बताएंगे कि यहाँ पर इस जगह पे सारे बांग्लादेशी रहते हैं। जो बच्चों को मारा है, औरतों को मारा है, सीने चपटी भी कर लेते हैं, चोरी चकारी भी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, सी ब्लॉक के आगे बांग्लादेशी, जी ब्लॉक के अंदर आके बांग्लादेशी लीडर्स सारी है और टोटली बांग्लादेशियों का काम है ये। बीजेपी का आरोप है कि अंसार का कनेक्शन आम आदमी पार्टी से है, लेकिन आज कुछ ऐसी तस्वीरें भी आई जिसमें वो बीजेपी की टोपी पहने हुए है और प्रचार कर रहा है। हिंसा के एक और अहम आरोपी प्रेम शर्मा की तस्वीरें भी बीजेपी नेताओं के साथ जुड़ती हैं। पुलिस की फाइलों में अगर अंसार हिंसा का आरोपी है तो प्रेम शर्मा भी बिना इजाजत शोभा यात्रा निकालने का गुनहगार है। अगर अंसार की मौजूदगी में पत्थर चले तो प्रेम शर्मा की अगुवाई में लोगों ने नफरत की तलवार लहराए। 16 अप्रैल के बाद से प्रेम शर्मा फरार है और खुद आगे आने की जगह दोस्तों के जरिए सफाई पेश करवा रहा है। जल्दी आपके सबके सामने आएंगे जब एक सिर्फ एक व्यक्ति को जिसने परमिशन ली है। कैसे नाम आया प्रेम जी का? क्योंकि उन्होंने अपने नाम से उसकी परमिशन ली है, इसलिए उनको गिरफ्तार किया। अंसार गिरफ्तार है, लेकिन कई किरदारों के गिरेबा तक पुलिस का हाथ पहुंचना बाकी है, तभी पता चलेगा कि हिंसा की जड़ें कितनी गहरी और साजिश कितनी बड़ी थी। ABP News आपको रखे आगे।